हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द व्लॉग। सुबह टहलने आ गया था मैं और सोचा थोड़ा एक्सरसाइज कर लूँ, घर जाके भी योगा करूँगा। तो कल तो दिवाली है, तो और बताओ यार, आप लोगों ने क्या क्या खरीदे? पटाखे वटाखे खरीदे या नहीं? दिल्ली वाले साइड के लोगों को तो बड़ी दिक्कत हो रही होगी, बट वैसे हमारा एक दोस्त है दिल्ली के लिए ही इतना पटाखे लेके गया। मैं बोला यार, एक भी अगर पकड़ाया तो सारा पटाखा कहाँ छोड़ेगा, वो तो तुम्हें दिवाली के बाद ही पता चलेगा। चलो एनीवेज, चलते हैं घर। अभी चाय वाय पी लिया, थोड़ा ब्रेकफास्ट बनाते हैं, योगा करेंगे पहले, उसके बाद। चाय पी ली? अच्छा, अभी पिए घी, गरम गरम हुआ है। भाई साहब, हालत ख़राब हो गया मेरा योगा करते। ऐसा लग रहा पूरा अंदर का प्राण निकाल लिया हो कोई। वेरी वेट लॉस, वेट होते वक्त तो बहुत डिफिकल्ट है, वेट जब कम हो जाएगा तो आसान लगेगा। क्या बना रही है सिंपी? बहुत भूख लगा है यार। जाइए नहा के आइए, पूजा करिए, फिर नाश्ता मिलेगा। क्या है? क्या क्या है? मिक्स पराठा। मिक्स पराठा मतलब ये क्या? गोभी प्याज डाल के बस स्टफ करके? मूली मेथी स्टफ करके नहीं, आटा में मिक्स करके। अच्छा, अच्छा लगेगा ना? आप बताइएगा। अच्छा, ये सारा चीज एक साथ डाल रही है और अदरक लहसुन भी? नहीं, लहसुन नहीं। मेथी होती? ये अजवाइन मंगरेल? हाँ, बस वही और कुछ नहीं। ओह, और ये मूली भी घसेगी? मूली भी? हाँ, मूली घस रहा, मेथी आप कर दीजिए। ठीक। वाह, ये तो खतरनाक लगेगा यार। आई टमाटर चटनी जबार, ये तो तुम्हारा इसके जैसा अनार बम जैसा लग रहा है। क्या? अनार बम जैसा। मूली में, मूली में पानी इतना होगा और नमक और हेल्प करेगा पानी छोड़ाने में। क्या चीज? मूली का अपने ट्रेन व्रेन के हिसाब से भी सही रहता है। ट्रेन में ले चलो ना ये। तुम बोली नहीं ना अम्मी को हैप्पी बर्थडे? पहले फल खा लो। चलो देखो, सिंपी जो है वो पराठा बनाना स्टार्ट कर दी है। चटनी बना? ओह माय गॉड, सिंपी बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी दो यार। हैप्पी बर्थडे अम्मी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे बेटा, मुशा किधर हो? एक बार मुंह दिखाओ। क्या खतरनाक बना है सच में। हम तो बोलते हैं कि सब पराठा बंद कर दो बनाना, यही बनाया करो। नेक्स्ट लेवल है भाई, आप लोग भी ट्राई करना घर पे, दिस इज बेस्ट। ने क्या बोल रही है मम्मी? क्या? आहा हा, देखो यार, इसमें है गोभी, मूली, धनिया, मेथी, हरी मिर्च, जवाइन मंगरेल और चाट मसाला, सॉरी खटाई, नमक, एंड दिस इज सो टेस्टी, क्या बताएं। Hey guys, अभी हम लोग निकल रहे हैं बाहर, कुछ काम है, बाद में बताएंगे क्या काम है, हमें भी नहीं पता, बट अभी बाहर जा रहे हैं। और मान्या का आज हेलोवीन क्लास भी है। चलो। क्या करना होता है हेलोवीन में? हेलोवीन में मान्या सही नहीं आके खेलना। चलो तो। अभी आन्या के लिए कोहड़ा खरीद दे क्या, बड़ा वाला? हाँ, माथा में लगा लेगी। जाओ ना, चोटी बना के आ गई बेटा। हेलोवीन में कोहड़ा लगाते हैं माथा में, माथा में कोहड़ा। अरे जाओ चोटी बनाओ जल्दी। स्मेल कर रहा है। क्या? स्मेल कर रहा है। इतना अच्छा की बता रही। हट, हेलोवीन टाइप है।
जी आज है छोटी दिवाली, बाहर का ट्रैफिक गजब का है भाई। यार ये पिछले साल का धनतेरस याद दिला दिया सिंपी, हम लोग एरिया मॉल याद है जा रहे थे, खैर उस समय हम लोग ब्लू स्मार्ट से जा रहे थे, आज अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, बट ट्रैफिक का हाल बिल्कुल वही है। और अभी तो घर से जस्ट निकले तब है यार रोड देखने, भाई ऐसा रोड देखने के लिए तरस गए थे हम, ये होता है खाली सड़क। अब लाल बत्ती खुले तो हम भी निकले, चलो भैया चलो जल्दी। चल 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 क्या बोल रही है? अरे क्या है सिंपी, 49 का बर्गर? अरे रुको आओ देखें जरा। चलो यार हमें दिवाली गिफ्टिंग के लिए जो लेना था वो हमने ले लिया और अब निकलते हैं घर। अन्या का मन किया बर्गर खाने का, इतना बकवास बर्गर का, ये नया बेल्जियन जो भी था, गलती कर दी हमने। ऑलवेज गो विद ट्रस्टेड नेम जी। पूरा दिवाली का मार्केट सजा हुआ है एकदम, ज्वेलरी से लेके हर चीज। खाली तोरण भी कराया रहेगा पूरा भाई, देखना तोरण का रेट जो है ना कम हो जाएगा, 50% से भी नीचे ड्रॉप होगा, कहेंगे कल है दिवाली और इतना सारा तोरण सब लोग लेके बैठे हुए हैं, इसी को बोलते हैं डिमांड सप्लाई का गैप। आप सोचे इतना बिकेगा हमारे दुकान से, दूसरा दुकान वाला भी सोचा इतना बिकेगा, बट खरीदार उतने ही है। चलो अभी घर चलते हैं। चलो जी घर निकला जाए। देखिए देखिए अन्या हो गया तेरा हेलोवीन, चलो 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 हो गया इनका, अब जल्दी चलो। ये पहनेगी क्या? ये कलर में थोड़ी ना अच्छा लगेगा, ब्लैक कलर का टी शर्ट नहीं है इसके पास, ब्लैक कलर में। देखो ये लड़की को खुद पता है हेलोवीन का कौन सा बाल रखना चाहिए। अब आओ ये व्हाइट रंग का पेंट लेके बाहर तक दांत बनाएगी मम्मी, क्या ईटी ईटी कर रही है। अरे बौरा देखो इसको, तुम्हारा मुंह कहाँ है, पीछे की आगे? हेलोवीन ए वाह, सुनना सिंपी थोड़ा और लगाओ, ये जगह छोड़ दियो तुम पूरा। अरे रुको ना बेटा हम करवा रहे ना, तुम पापा पापा को प्यार करती है ना, जल्दी लेके आओ तुम, हम बता रहे हैं। अरे सॉरी हेलोवीन जरा नीचे 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 लाइट जलाओ उसका, देखें हेलोवीन खतरनाक क्या। चलो मिस हेलोवीन, मिस हेलोवीन द क्वीन एंड द डिंग 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 बेटा, हैप्पी हेलोवीन, अभी दिवाली नहीं आया है, देखो हेलोवीन बनी हुई है, हैप्पी हेलोवीन हो रहा है। कौन हो तुम? वैम्पायर। कौन सा वैम्पायर? ओह माय गॉड व्हाट्स योर नेम, तो डेंजरस लग रहा है, तुम तो क्यूट वाली हेलोवीन लग रही हो। चलो मिल गया, ओ भाई ये पूरा टिश्यू पेपर से लपेट के आया हुआ भाई, सही। उसको डर लग रहा है पता है, उसका देखो दिमाग में अपसेट हो गया, उसको रिंग पकड़े रहना है। सिंपी हम लोग के पीछे चमगादड़ है बहुत सारा, ये देखो उड़ रहा है, ओ बच्चा लोग ये देख, ओ भाई देख आज कितना चमगादड़ आ रहा है, ये देख देख कितना उड़ रहा है, ओ भाई ओ तेरी
यही से उड़ रहा है। इधर देखो आवाज भी आ रहा है, ये देख, ये ओ ओ ओ भाई, ओ भाई कितना है इसमें। चलो यार हम लोग निकले हुए हैं कुछ दिवाली बांटने के लिए, तो उसके लिए अभी हम लोग जा रहे हैं मिठाई लेने। यहाँ पे क्या बोलते हैं, दिवाली देने जा रहे हैं। हम लोग की तरफ में ये सब नहीं होता है, नहीं हम लोग में बड़ा बेसिक होता है। आप हमारे घर आइए, हम आपका राजा की तरह स्वागत करेंगे। हम आपके घर जाएं तो आप हमारे यहाँ राजा की तरह स्वागत कीजिए। क्या गजब लग रहा है, गुड़गांव एकदम सज गया है। दारू का ठेका ज्यादा अच्छा से सजा है। ये देखो, चलो भाई चलो दोस्तों, विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली एडवांस में। और क्या खूबसूरत लग रहा है आज, हर चीज बहुत सुंदर लग रहा है। नहीं ऐसा ही आपके लाइफ में भी जो है ना, लाइट से आपका लाइफ भर जाए, मतलब खुशियों से भर जाए, ऐसे ही जगमगाए जैसा ये दिख रहा है। चलो भैया घर निकले, आज सुबह से माकिए रहे हम लोग हैं दोपहर से। चलो आने का, आज हैलोवीन पार्टी जो था वो भी हो गया, वो भी शौक पूरा कर ली हैलोवीन का। हम लोगों को तो समझे में नहीं आता ये सब कहाँ होता ही, मतलब भूत पिशाच। दिवाली वाले दिन में कौन ऐसा ऐसा कपड़ा पहनता है भाई, बताइए तो। बट चलो ठीक है, चलो यार मैं जा रहा हूँ बनाने अभी भूंजल चोखा। तो भूंजा हुआ चोखा में ये गया जीरा, ये गया लहसुन, हरी मिर्च, सबसे इम्पोर्टेंट प्याज। देखो मैं इसी से कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट में आलू तो फोड़ के इसी में मिक्सना है ना। इसमें हल्दी वल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, बस दैट्स इट। लाल मिर्ची डाल दे क्या एक। चलो यार देखो कितना मस्त बना है ना चोखा। तुम अभी नहीं रुको दोस्तों, अभी जा रहे हैं हम लोग जम का दिया निकालने। बेसिकली हमारे फैमिली में हर साल ये जम का दिया निकलता है। मम्मी उम्मी लोग निकाल ही रही है, तो मम्मी लोग बोली कि इस साल से तुम लोग भी निकालना शुरू करो। पुराना दिया जो घर में पड़ा हुआ होता है, एक साल पुराना, वो वाले दिए में सरसों का तेल डाल के पूरा भर के और उसको हम लोग साउथ डायरेक्शन में जलाते हैं, और वो जब तक जले जल जाए। बट इसको हम लोग घर में नहीं जलाते, तो हम लोग इसको बाहर ले जाएंगे साउथ के डायरेक्शन में, इसका दिया का मुंह रहेगा और वहां पे जला के फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। सुबह 8 बजे आपको मिल जाए, और दिवाली का ब्लॉग जो है वो आप लोग को दिवाली के बाद पे या अगले दिन देखते हैं। सिंपी को बहुत दुख है, आप लोग 1 लाख का सब्सक्राइबर बेस बनवाइए ना दोस्त। चलिए पहले 10,000 का कमेंट, चैनल देख के छोड़ा मत करिए। चलो चलो करो ना यार प्लीज, हैप्पी दिवाली। क्या, हाँ ये साउथ डायरेक्शन ही है जहाँ पे तुम कर रही हो। चलो चलो, ये देखो जी सरसों का तेल में एक साल पुराना दिया साउथ के डायरेक्शन में जला दिया हमने, चलते हैं घर। हो गया हम लोग का जम का दिया लगाना। चलो भैया दलिद्दर भगाओ हैं, दलिद्दर अभी नहीं भगाते, दिवाली के बाद भगाओगी। अभी किसको भगाते हैं, घर से निगेटिविटी। चलो।